देखो इसमें एक फर्स्ट सेक्शन आता है जो हमको ध्यान देना है। अगर हम कभी भी एक्सपेरिमेंट का सेक्शन देखते हैं जो एग्जामिनेशन में आता है एंट्रेंस के, आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक एरर बेस्ड क्वेश्चन और दूसरा इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चन, लाइक आपका वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। लेकिन जो एरर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो हर चैप्टर के हिसाब से चेंज नहीं होंगे, आपको बस उस चैप्टर की बेसिक थ्योरी आनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हाँ, लेकिन एरर को समझाने के लिए मैं फिर से आपको पहले ये एक 3 से 4 मिनट में थ्योरी पढ़ाता हूँ और फिर क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ बेटा। मैक्सिमम परमिसिबल एरर, इसको आप लोग कई बार मैक्सिमम लॉग एरर भी कहते हो। क्यों कहते हैं हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके कोर्स में आया कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला है और एक्सपेरिमेंट के सेक्शन में जेई मेंस के सिलेबस में दिया हुआ है कि आप लोगों को रेजिस्टिविटी निकालना आना चाहिए किसी कंडक्टर की। बेटा देखो, अगर मैं आपको एक पीस ऑफ कंडक्टर दे रहा हूं, सपोज ये लेंथ एल है, इसकी एरिया पाई डी स्क्वायर बाई फोर, वेयर डी इज द डायमीटर है, और हमें इसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है। अगर कोई हमें आर बता दे कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, तो हम फॉर्मूला तो यूज कर ही सकते हैं, सिंस वी नो दैट आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर हम इससे रेजिस्टिविटी निकालना चाहें तो आर इंटू एरिया बाई एल। आपको सपोज एक एक्सपेरिमेंट में इस तरह से डाटा दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस आपने मेजर किया और उसकी वैल्यू आई 1.05 ओम, और जो परमिसिबल एरर था पॉसिबल डेल्टा आर वो इतना था, 0.01 ओम। बेटा देखो एक सिंपल सी बात है, अगर मुझे रेजिस्टिविटी निकालनी है, जब मैं एक्सपेरिमेंट करूँ मैं कुछ ऑब्जर्वेशन करूँगा, मैं किसी मेथड से रेजिस्टेंस मेजर करूँगा, लेंथ मेजर करूँगा, डायमीटर मेजर करूँगा, उससे एरिया निकालूंगा, तो इन सारी मेजरमेंट्स में अगर एरर है तो वो एरर कंबाइन होती है और वो इस तक पहुँचेगी और हमें इसका निकालना है। सपोज पहले मैं एक्सपेरिमेंट का डेटा लिख देता हूँ, सपोज मुझे रेजिस्टेंस का इतना ही दिया था कि ये इसकी ट्रू वैल्यू है और ये परमिसिबल एरर है। उसी तरह से डायमीटर के लिए मुझे दिया हुआ है 0.60 mm, लेंथ के लिए दे रखा है 70.3 सेंटीमीटर, और डेल्टा डी डायमीटर के लिए और डेल्टा एल आपको दे रखा है। डेल्टा एल इज 0.1 सेंटीमीटर, डेल्टा डी इज ऑल्सो 0.1 सेंटीमीटर। और अगर मान लो कभी आप लोग को डेल्टा डी और डेल्टा एल नहीं देता है, तब आप जो लीस्ट काउंट होता है ना, जैसे मान लो जहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट 75.3 सेंटीमीटर नाप रहा है, तो उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होगा, तो आप वहां से कैच कर लोगे अगर ये दिया नहीं भी है तो। अब बेटा देखो एक इतनी सिंपल सी बात है, अगर मैं 263 नाप रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना डेटा लिख रहा हूँ, तो अपने आप सोच लेना इट इज 263 प्लस माइनस वन एरर, क्योंकि हम हमेशा लास्ट डिजिट में एरर होती है, तो 263 प्लस माइनस वन ये हमारा एक्चुअल डेटा होगा। उसी तरह अब देखो बेटा, मुझे मान लो ये सब चीजें दे दी गई कि आर और उसका पॉसिबल एरर, डी और उसका पॉसिबल एरर, एल और उसका पॉसिबल एरर, अब मुझसे कोई पूछ रहा है रो का एरर निकालो, तो आप चाहो तो इसको, आई होप बेटा आप सबको ये फॉर्मूला आता हो कि अगर हमारे पास लॉग एक्स है और मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, आई विल गेट डी एक्स बाई एक्स, और या तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तब हम शायद इसमें आगे बढ़ सकते हैं। देखो इसके बाद मान लो अगर मैंने तुमसे बोला
कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन रेजिस्टिविटी, यानी मुझे ये निकालना है, सपोज दिस इज परसेंटेज एरर, अगर मैंने इसके आगे मैक्सिमम लिखा है बिकॉज क्योंकि मैं सबके एरर को ऐड करूंगा इसलिए मैक्सिमम वर्ड आता है इसमें, मुझे ये निकालना है। आप ओरिजिनल फॉर्मूले के ऊपर जाओ, रो को फिर से लिखो, रो होगा आर इंटू लेंथ, एक सेकेंड, एरिया बाय लेंथ, और आप इसमें वैल्यू पुट करिए, आप इसको अरेंज कर लीजिए अपने हिसाब से, अब दोनों तरफ लॉग ले लो बेटा। अब जब इधर लॉग लोगे तो लॉग आर प्लस 2 log D प्लस लॉग पाई बाई 4 माइनस लॉग एल आ जाएगा, इतना हमें मिलेगा दोनों तरफ लॉग लेने से। अगर मैं अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे डी रो बाई रो मिलेगा, आपको डी आर बाई आर मिलेगा प्लस 2 डेल्टा डी, ऐसे लिख देता हूँ, डेल्टा डी बाई डी मिलेगा बेटा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 मिलेगा, और इसको करोगे तो अनडाउटेडली आपको माइनस साइन मिलेगा, लेकिन हमें सिर्फ मैक्सिमम एरर चाहिए, तो हम इसको सारे एरर्स आपस में जुड़ेंगे हमेशा, सबको ऐड करना है, तो यहाँ पे आप इसको सिंपली डेल्टा एल बाई एल लिखते हो, माइनस साइन को इग्नोर करोगे अगर आएगा भी तो। अब ये आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर बनेगा अगर हम 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये सारी चीज़ें आपको दी थी, डी आर दिया है, आर दे रखा है, डेल्टा डी दे रखा है, डी दे रखा है, डेल्टा एल दे रखा है और एल दे रखा है। अब आपको सिंपली सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है और वैल्यू पुटिंग करनी है। बच्चों को कभी भी रेजिस्टेंस का क्वेश्चन एज ए एक्सपेरिमेंट बेसिस पे भी आएगा तो उनको इसी तरह से अप्रोच करनी है। आई होप बेटा आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट ऐसे ही होगा, एक एरर और दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आपके क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, तो आई होप आप ऐसे ही तैयारी करोगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करके दिखाओ राइट अवे। देखो आपको सिंपल पेंडुलम में एनर्जी के ऊपर आता है, आपको दे रखा है कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 इक्वल टू 2% दे रखा है बेटा, दिस इज 2%, ऐसे लिख देता हूँ। इन सिंपल पेंडुलम, हम एक सिंपल पेंडुलम में आपको लेंथ में मैक्सिमम परसेंटेज एरर दे रखा है और टाइम में दिस इज डी टी बाई टी इंटू 100 इज गिवेन एज 3%, आपको डी जी बाई जी इंटू 100 निकालना है। आपके ऑप्शन है 5%, 6%, 7%, 8%, 10%। बेटा आप लोग करोगे कैसे क्वेश्चन? आई होप आप शुरुआत यहीं से करोगे। सब बच्चों को ये बेसिक टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होगा,
अब हमें चाहिए क्या, हमें जी चाहिए, जी में एरर चाहिए, तो अब हम उसके हिसाब से बनाएंगे फॉर्मूला। टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, आपने रीअरेंज कर लिया, जी को इधर भेजिए, 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। और अगर आपको मेरी बात समझ आई तो फिर से आप लॉग लीजिए, या तो सिंपली अगर आपको लॉग वाली भाषा में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो ऐसा जानिए कि अगर मैं आपको जी दे रहा हूँ, जी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो डी जी इज कॉल्ड एरर। तुमको इतनी सी बात याद है, तुम डिफ्रेंशिएशन करके निकाल लोगे। बेटा कांस्टेंट वाले पार्ट को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इट विल बिकम डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 dt बाई। आंसर कितना आ जा रहा है बेटा बताओ? अगर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये परसेंटेज बन जाएगा। डेल्टा एल बाई एल ने आपका 2% दिया है, हाँ बेटा ये आपका 2% दिया है, ये आपका बेटा 3% दिया है, तो 3 × 2 6% हो जाएगा। ऐड करोगे तो आपका आंसर 8% आ जाएगा बेटा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, जितने बच्चे आंसर भेज रहे हैं सही है। और बेटा गिन के ऐसे 8-10 क्वेश्चन होंगे जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट बेस्ड होंगे, वो मैं आपको ऑलरेडी लिखा दूंगा, पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे लाइक आपको लीस्ट काउंट पता है कि नहीं, आपको सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट है कि नहीं। बेटा मैं थोड़ा सा एक 1% बढ़ा के देता हूँ क्वेश्चन को, 1% बढ़ा के, इट्स नॉट लाइक ये हार्ड है, बस 1% थोड़ा सा लेवल रेज कर देते हैं। आपके कोर्स में लिखा है कि आपको एनर्जी वर्सेस मतलब सॉरी एनर्जी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है, ये आपके एक्सपेरिमेंट लिस्ट में दिया हुआ है सिलेबस में। अब इस पे क्वेश्चन वो देंगे तो वो कभी भी वैसा क्वेश्चन नहीं देंगे कि जिससे आप रियल में जाके एक्सपेरिमेंट करो, वो आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देते हैं। अगर आपको रियल टाइम पेंडुलम की एनर्जी समझ आती है या किसी भी ऑसिलेशन की एनर्जी समझ आती है तो उसका ये फॉर्मूला होता है। बेटा सोचो वो एग्जाम में ये तक दे देते हैं कि चलो मानते हैं बच्चों को ये सब भूल गया होगा, आपको इस तरह से लिख के दे दिया उन्होंने। बेटा कि एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी रिटन लाइक दिस, आपको ऐसे लिख दिया। बेटा अगर आपको याद हो किसी भी पेंडुलम को या किसी भी ऑसिलेशन करने वाली चीज को आप छोड़ते थे तो लगातार उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता रहता था और हम कहते थे कि उसकी एनर्जी घट रही है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो हमको ये समझ आता है कि जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा यानी डैम्पिंग होती रहेगी टाइम के साथ में, अगर एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा था तो जैसे टाइम के साथ एम्पलीट्यूड घटेगा एनर्जी भी घटती चली जाएगी, और वही ये रिलेशन दिखा रहा है। क्वेश्चन में इतना डेटा दे दिया, आपको याद ना हो तो भी ठीक है। फिर आपसे पूछा है कि अगर अल्फा की वैल्यू 0.2 सेकेंड इनवर्स है या सिंपली 0.2 है, ए में एरर, वन पॉइंट टू फाइव परसेंट है, टाइम में एरर 1.5% है, आपको बताना है परसेंटेज एरर इन ई एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। बेटा क्वेश्चन करो आप लोग। मैं आपको 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से सोच के आंसर बताओ बेटा।
आप लोगों से हो रहा है। एक बच्चे का आंसर आया 5.5। ठीक है बेटा, हमको परसेंटेज एरर इन एनर्जी निकालनी है, तो आप सिंपली क्या करोगे इसको बेटा? डिफरेंशिएट करोगे या वही लॉग वाले मेथड से कर दो, डेल्टा ई बाई ई इक्वल टू 2DA/A। बेटा मुझे आंसर सब बच्चों के आ रहे हैं, पर वेरिएशन आ रहा है डेटा में, मतलब सबके आंसर मैच नहीं कर रहे, तो इसलिए जब तक दो तीन बच्चे सेम आंसर नहीं दे देंगे तब तक मैं आप लोगों को बोलता रहा हूँ कैलकुलेशन खुद से करो। स्मृति तुम्हारा ठीक है शायद, गुड बेटा। नहीं, ऋषि बेटा आंसर गलत है शायद। एक गोल्डन रूल तुम पहली बार समझ लो, अगर किसी इसका 1.25 दिया है तो एरर हमेशा प्रोपोगेट होके बढ़ेगा, एरर कभी घटने वाली चीज नहीं है बेटा। एरर कभी कोई घट नहीं सकता बेटा, अगर आप प्रैक्टिकली फील करते हो। तुमने एक लेंथ ही गलत नापी है तो जो उससे एरिया नापोगे और उसकी गलत होने की संभावना और ज्यादा होगी, जो वॉल्यूम नापोगे उसमें और गलत होने की संभावना ज्यादा होगी। अच्छा ठीक है, चलो मैं इजियर मेथड से बताता हूँ। तुम हमेशा याद कर लो, तुमसे कुछ भी पूछा जाए तो एरर को, सपोज आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो वो गोल क्या है, आपको ये निकालना है डी बाई ई इंटू 100। आपको ये समझ आना चाहिए कि चलो सर ये निकालना है, अब वहां जाओ और अपने आप से बोलो कि अच्छा ये फॉर्मूला दे रखा है, लेट इट डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू ऐसे। अब चलो डी बाई डी टी कर लो, तो बेटा क्या रिलेशन होता है अगर हम डी बाई डी टी करते तो इसमें, या हम लोग सिंपली डी ई करते तो भी हमें क्या रिलेशन मिलता? अगर मैं डी ई करूंगा सिंपली तो मुझे मिलेगा, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा, दोनों तरफ सिर्फ डिफरेंशिएट करने को बोल रहा हूँ। या आप डी बाई डी टी भी कर सकते हो, नो इश्यू। सपोज आपने डी बाई डी टी ही किया, आप किसी भी तरह से लेके बढ़ो, जब तक तुम्हें यहां पहुंचना आता है आपका आंसर गलत नहीं आएगा। मैंने जब इसको देखा तो मैंने ऐसे किया, चलिए सर। बेटा सबका अलग अलग कैसे आ सकता है? सोहम का अलग है, ऋषि का अलग है, कनिका का अलग है, अर्चना का अलग है, और भी बेटा बच्चे एक दो और हैं। हाँ आप सिंपली इसको देखो बेटा, इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो, आपको क्या मिलेगा? अगर मैं इसकी सिंपल डिफरेंशिएशन करूं, देखो पहले मुझे ये डी बाई ई चाहिए, तो पहले डी के पीछे पढ़ो। आप ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? लेट अस सपोज कि ए वेरिएबल है, ए ऑब्जर्वेशन में जा रहा है, ए को हम मेजर कर रहे हैं, बट बेटा वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, तो आप ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने दो, ई की पावर माइनस अल्फा टी को अल्फा टी रहने दिया, मान लो आपने चेन रूल लगाया, माइनस अल्फा आया। और फिर बेटा आयन का भी आंसर आया, वो भी मैच नहीं कर रहा, मतलब काफी आंसर दूर दूर है, और कोई बात नहीं है। सपोज आपने ऐसा कर लिया, मैंने आपको ये सिखाया बेटा ऑलवेज डिफरेंशिएशन के थ्रू, जो आपका सारे आंसर मैच कर जाएंगे। सपोज आपका मन किया कि सर हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं,
तो एक बार e की पावर माइनस अल्फा टी और ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो टू ए, फिर डी ए बाई डी टी। अब बेटा मैक्सिमम बच्चों का आंसर मैच कर रहा है, गुड बेटा। आपने ऐसे कर लिया, आपको दिक्कत आ रही है बेटा इसमें, सिंपली डी टी उधर भेज दो और वैल्यू पुटिंग कर दो। ई आप पहले टी इक्वल टू 5 सेकंड पे निकाल लो, अगर आपको ई चाहिए तो आपसे पूछा है टी इक्वल टू 5 सेकंड, तो इसको डायरेक्टली पुट करके भी निकाल सकते हो, कैलकुलेशन लगेगी लेकिन कर लो। ए स्क्वायर मतलब सिंपल, देखो ए की वैल्यू, ए क्वेश्चन के डेटा में दिया हुआ है क्या बेटा? हाँ, ए आपका 1 पॉइंट, ए का एरर दिया है ना क्वेश्चन के डेटा में, क्या ए की वैल्यू दी हुई है? नहीं बेटा, ए की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो शायद जब हम डी बाई ई करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा सारा। जब हम इसको ई से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेटा वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ई टी को अगर निकालता तो मैं ऐसे लिखता, सिंपली छोड़ देता ए स्क्वायर ई की पावर, बेटा अल्फा की वैल्यू 0.2 है और टी 5 सेकेंड है, तो 0.2 इंटू 5 बेटा 1 हो जाएगा। तो ई टी की वैल्यू सिंपली ए स्क्वायर बाई, बेटा ई की पावर -1 यानी ए स्क्वायर बाई ई आ जाएगा। आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन ही करना है और कुछ नहीं करना रहता, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिख भी रहा है तो जस्ट डिफरेंशिएटेड। अब बेटा इसमें डी टी को साइड में भेज दो, बेटा दोनों तरफ e से डिवाइड कर दो, एक तरफ e लिख से डिवाइड करना और एक तरफ ए स्क्वायर बाई ई से डिवाइड करना। और माइनस अल्फा टी, और बेटा यहाँ पे आई गेस बेटा ये टर्म तो कट जाता पूरा, ये ए स्क्वायर बाई ई है तो डिवाइड करोगे तो ये ऐसे हट जाएगा, बचेगा माइनस अल्फा डी टी प्लस, बेटा मैं जब आर एच एस में डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं ए स्क्वायर बाई ई से डिवाइड कर रहा हूँ। और देखो अगर यहाँ मैं अल्फा और टी की वैल्यू पुट करूंगा तो वो भी ए स्क्वायर बाई ई बन जाएगा, ये टर्म भी। माइनस साइन को आपको इग्नोर करना है क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए, इसलिए माइनस साइन आप चाहो तो हटा दो। और यहाँ पे जब आप कर रहे हो तो बेटा देखो मेरा एक एक ए कट जा रहा है, एक ए बच जा रहा है और ई की पावर माइनस अल्फा टी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा टू डी ए बाई ए। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, और ये सारी वैल्यू पॉजिटिवली ऐड करनी रहती है सारी की सारी। बेटा अल्फा की वैल्यू दे रखी थी 0.2, टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, हाँ
रुक जाओ, शायद मैंने कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया है। इसमें 2 dA/A था, इसकी वैल्यू दे रखी है dA/A की 1.25% इतने की, इंटू 2 करने से इतना तो है कि 2.5% आ जाएगा। और फर्स्ट बिट में मैं देखता हूँ बेटा मैंने क्या अगर एरर किया है। डीटी का वैल्यू पुट करना है, फिर dT कहाँ दी हुई है बेटा? अच्छा डीटी बाई टी का वैल्यू 1.5 है। अच्छा अच्छा हाँ बेटा मैंने देख लिया। हाँ ठीक है बेटा, हमने इसको हटाते हैं, हमारा इतना हमें निकालना था। dT की वैल्यू कितनी दे रखी थी बेटा बताओ? अल्फा 0.2 था, dT कितना था बेटा? सर 7.5 आ जाएगा। 7.5 आएगा dT की वैल्यू। हमको dT बाई टी कितना दे रखा है? 1.5 1.5 1.5। तो dT हमारा आ जाएगा 1.5 इंटू टी यानी 5/100, ये आ जाएगा। तो dT की वैल्यू जब पुट करूंगा तो ये 100 कट जाएगा, तो दिस विल बिकम 0.2 इंटू। बेटा क्या आप लोग को बात समझ आ रही है? मेरा अल्फा dT इंटू 100 दिया है, मुझे ये चाहिए। मैंने dT की वैल्यू निकाल ली, 100 कट गया, अल्फा dT बचा। अल्फा की वैल्यू 0.2 है और dT की वैल्यू इतनी है यानी 1.5 इंटू 5 इंटू 5। तो बेटा जो बच्चा किया होगा उसका आंसर 1.5 प्लस 2.5 4% आया होगा। आया है हाँ सर। बेटा? मेरी बात सुन रहा, मैं कुछ भी नहीं ध्यान दे रहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम ये अप्रोच समझो कि एरर हमेशा डिफरेंशिएशन करने से निकल आएगा, हमेशा। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, यू कैन डू सिली मिस्टेक्स ओनली, और कुछ नहीं। मतलब अगर तुम्हें इससे डर निकालना है तो सिंपली सोचो क्वेश्चन किसी भी टाइप का दिखे मुझे सिर्फ डिफरेंशिएट कर देना, और कुछ नहीं करना है। तो अगर कभी भी एरर का आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है बेटा, जिन बच्चों को नहीं समझ आया मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एनर्जी ऐसे लिखा था, a²e⁻¹t। मेरा लक्ष्य था कि मैं dE/E तक पहुँचूँ, तो मैंने dE/dt कर दिया ऐसे ही करने के लिए, और फिर बाद में e से डिवाइड कर दिया, यानी मैंने ऐसा कर दिया। लाइक मैं dE/ मैंने e को लिया, dE/dt निकाल लिया, और मैंने इस पे प्रोडक्ट रूल लगाया कि a² को मैंने कॉन्स्टेंट लिया, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया dE/dt ऑफ दिस थिंग e⁻¹t। एग्जामिनेशन में बच्चे बस ये प्लस माइनस तक भूल जाते हैं, इसलिए मैंने टॉपिक का नाम ही मैक्सिमम पॉसिबल एरर रखा है। देखो ताकि तुमको ये बात याद रहे कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर में सब पॉजिटिव हो जाएंगे, कोई भी दो एरर आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। फिर e⁻¹t कॉन्स्टेंट इंटू इसका डिफरेंशिएशन dE/dt ऑफ a², ये आपका dE/dt है, dT को उधर भेज दो तो मुझे dE मिल जाएगा। आपका ये टर्म आता, फिर मैंने बस e से दोनों तरफ डिवाइड किया, e यानी ये टर्म a²e⁻¹t। उसके बाद जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर 4% आ जाता है। ये एक्चुअल प्रोसेस जो अभी हमने किया वो था। बेटा फॉर एग्जांपल मैं आपको एक, जैसे आपके कोर्स में लिखा कि अननोन रेजिस्टेंस निकाला अपने मीटर भी यूज करके, आपने मीटर ब्रिज यूज किया और अननोन रेजिस्टेंस निकाला। बेटा आप लोग को अगर थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज याद है तो कुछ ऐसी हरकतें होती थी। बेटा ड्राइंग गंदी रहेगी, आई होप आप समझ जाओगे। और यहाँ पे एक स्केल होती थी ऐसे करके, दो एक रेजिस्टेंस
आर वन मान लो नोन है और आर टू अननोन है, और आर वन हमारा नोन है। अब मुझे आर टू में परसेंटेज एरर निकालना है। अगर आपको याद हो तो बेटा हम लोग क्या करते थे, इसको इससे भी कनेक्ट करके रखो, इसको इससे भी करके रखो बेटा, और इसके बीच में एक गैल्वेमीटर लेके जाते थे। बिना डरे सोचो कि मैं ऐसे करूँगा तो ये जो कंडक्टर है, सपोज जो मैं कंडक्टर ए बी दिखा रहा हूँ, इसमें एक लेंथ का रेशियो बेटा एल वन एल टू। अगर मैं इसे मीटर ब्रिज कह रहा हूँ तो एल वन प्लस एल टू 100 होगा, पर एग्जाम में कई बार चालाकी से वो 100 नहीं देता है। अगर मीटर ब्रिज है तो 100 सेंटीमीटर टाइप का होगा, 1 मीटर का। और सिंस लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो जहां पे नल रीडिंग मिलेगी, जहां पे भी नल रीडिंग मिलेगी, जहां पे भी नल रीडिंग मिलेगी, तो उस जगह बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्मेशन होगा, डब्ल्यू एस पी। और वो इतना सिंपल होता है कि आर वन बाई आर टू इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर, और सिंस मेरा आर थ्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वन एंड आर फोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू, तो इसलिए मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ आर वन बाई आर थ्री इक्वल टू, या सेम बात है बेटा आर वन बाई आर टू भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस फॉर्म में आपने याद किया है आर थ्री बाई आर फोर। ठीक है बेटा, अगर ये हमारा इक्वल हो जाता है तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज पाते हैं। अब बस मुझे क्या करना है, आर थ्री आर फोर की जगह एल वन और एल टू पुट करना है। आप बोलोगे सर इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो वो सिंपल है। अगर मुझे आर वन पता है, एल वन मुझे वहां नल रीडिंग से मिल जाएगी, एल टू नल रीडिंग से मिल जाएगी, तो मेरा आंसर कितना आएगा बेटा, आपको वो ऐसे क्वेश्चन देगा। देखो मैं समझाता हूँ, आपको एल टू को लिखेगा 100 माइनस एल, एल वन को लिखेगा एल, कि सपोज आई एम सेइंग दिस इज एल, तो दिस एल टू विल बिकम ऑटोमेटिकली 100 माइनस एल अगर मैं मीटर ब्रिज ले रहा हूँ। तो मैंने आर वन लिखा और मैं आर टू लिख रहा हूँ, ऐसे ये फॉर्मूला बना आपका। अब वो आपसे पूछेगा कि आप लोग को बेटा क्या निकालना है, आर टू निकालना है, तो आर टू का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, देखो 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर वन। अब बेटा क्वेश्चन यहां से शुरू करेगा। एक क्वेश्चन आता है कि अगर आर वन आपको दे रखा है 200 प्लस माइनस 1 ओम, और लेंथ की मेजरमेंट जो आई है वो 30.6 आई है सेंटीमीटर, तो कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसेबल एरर इन आर टू। बेटा जल्दी करो, मैंने डेटा खुद से लिया है तो हो सकता है आंसर अच्छा नहीं दिखेगा, 4 5 6 टाइप का नहीं आएगा, पर आंसर आएगा। बेटा जेई मेंस के सिलेबस में या नीट के सिलेबस में एक्सपेरिमेंट आते हैं, आपको अपने स्कूल एग्जामिनेशन के एक्सपेरिमेंट की लिस्ट बनानी होती है। बेटा जेई में तो कैटेगरी वाइज मेंशन करके रहता है कि 20% वेटेज है, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं। इट मीन्स कि आपको एक्सपेरिमेंट से समझना है कि वहाँ करोगे क्या। एक्चुअली नल पॉइंट निकालने पे हम एल को ऑब्जर्व करते हैं, आर वन हमें दिया रहता है, इसी तरीके से जो कलर कोडिंग से हम लोग आर वन निकालते हैं, या आर वन हमें ऐसे ही देगा वो, तो हमको ये निकालना आना चाहिए कि आर टू किस टाइप का आएगा।
तो हम, हाँ बेटा हो सकती है, मैं वेट करता हूँ बाकी बच्चे भी कर दें, क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं पता है। आई होप बेटा आप सब समझ रहे होगे, आपको डी आर टू बाई आर टू इंटू 100 निकालना है, दिस इज योर टारगेट। परसेंटेज एरर पूछ रहा हूँ, आपका ये टारगेट है। बेटा तुम ठंडे दिमाग से सोचना, आंसर आ जाएगा बेटा। कई बच्चों ने भेजा है, सोहम ने भेजा है, स्मृति ने भेजा है, बेटा सबका आंसर बहुत दूर दूर तक वेरी कर रहा है। आई एम वेटिंग कि दो तीन बच्चों का आंसर मैच करने वाला मिले। और बेटा आपको समझाने के लिए जानबूझ के मैंने एक एरर का क्वेश्चन 11th क्लास का लिया और एक 12th का लिया, कि आपको एक्सपेरिमेंट एक्चुअली वो नहीं पूछ सकता, इसी तरह से घुमा के पूछेगा। कनिका बेटा सही हो सकता है, लेट अस वेट। ऋषि, कनिका सबका अलग अलग आ रहा है बेटा। ठीक है बेटा मैं करता हूँ, एक मिनट और देता हूँ लोगों को, क्योंकि अभी बहुत बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। अर्चना का एक बच्चे से आंसर मैच कर रहा है, बस मल्टीप्लायर ऑफ 10 का एरर है। बेटा देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे भी बन सकते हैं, अगर आपके कोर्स में मीटर ब्रिज लिखा हुआ है तो दे कैन आस्क यू, वो भी एक्सपेरिमेंट का ही क्वेश्चन कराएगा, अगर वो पूछे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, आपको बताना पड़ेगा इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका अल्टरनेट नाम होता है स्लाइड वायर ब्रिज। आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। एक्चुअली बेटा हमारे स्कूल कल्चर में ये सब होना चाहिए कि आप लोगों को ये सब सिखाया जाए। बेटा और अलग अलग आंसर आ रहे हैं। बेटा आप बोल रहे हो तो मैं कर दे रहा हूँ, बट मेरा मन नहीं है कि मैं कैलकुलेशन करके दूं बच्चों को। बेटा आपको यही तो बोल रहा हूँ मैं कि या तो सिर्फ डिफरेंशिएशन का पाथ पकड़ लो। मैं क्या ही दे रहा हूँ, मैं मैक्सिमम आपको ये देखो मैं डेटा देता हूँ, आप वैल्यू मैं आपसे पुट कराऊंगा, मैं थ्योरी लिख देता हूँ। सपोज मैंने आपसे कहा कि ये क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में, आपको कुछ नहीं पता, आपको बस ये रिलेशन याद है, जल्दी से करते हैं बेटा, आपने तुरंत डिफरेंशिएशन या तो आप उसकी तरह चले गए लॉग की तरह, जो आपको सही लगे आप उस मेथड को पढ़ सकते हो। मान लो आपने डिफरेंशिएशन वाला मेथड चुना, ये लेटेस्ट से अब बेटा देखो डी आर टू निकालना है, आपने डिफरेंशिएशन करने की कोशिश की। आप बेटा ये इससे कंफ्यूज मत होना, अगर आपको लगता है सर किसके रिस्पेक्ट में करना चाहिए, बेटा किसी के भी रिस्पेक्ट में फर्क कर दो, फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता उससे, एल के रिस्पेक्ट में कर दो। अब मैंने इसे दो टर्म ले लिए, एक 100 माइनस L बाई L, इसको कॉन्स्टेंट माना, तो मैंने लिखा डी आर वन बाई
डीएल। प्लस बेटा प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। अगली बार मैंने आर वन को कांस्टेंट माना और इसको डिफरेंशिएट किया इस फैक्टर को। बेटा अगर आप लोग को यू बाई वी का डिफरेंशिएशन याद हो, इस तरह से होता है वी स्क्वायर वी डी यू माइनस यू डी वी। तो अगर मैं 100 माइनस एल अपॉन एल को ऐसे देखूं, तो मुझे नीचे मिलेगा एल स्क्वायर, ऊपर मिलेगा वी डी यू यानी एल, और डिफरेंशिएशन ऑफ 100 माइनस एल विथ रिस्पेक्ट टू एल कर रहा हूँ। देखो बेटा ये जो डी यू है, यू क्या बना यहाँ पे, यहाँ पे मेरा यू बना 100 माइनस एल और वी बना एल। तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा हो क्या चल रहा है। मैं डी यू करूँगा तो 100 माइनस एल का करूँगा तो मुझे माइनस वन मिलेगा, 100 का जीरो और एल का माइनस एल का माइनस वन। माइनस यू डी वी, यू मेरा ऑलरेडी 100, इसको साइड में खिसकाते हैं, 100 माइनस एल है और डी वी मतलब एल का डिफरेंशिएशन दैट इज वन। तो आपको अपना डाटा वैसे दिख रहा होगा। अब डी एल को मल्टीप्लाई कर दो, आपका डी आर टू आ जाएगा 100 माइनस एल बाई एल इंटू डी आर वन प्लस आर वन अपॉन एल स्क्वायर। और बेटा यहाँ पे आपको क्या क्या मिल चुका है, माइनस एल माइनस एल। एक सेकेंड बेटा, मैंने कैलकुलेशन गलत नहीं है, ये प्लस एल हो जाएगा। बेटा एल कट गया ना, यहाँ 100 बचा ना सिर्फ, एल इंटू माइनस वन माइनस एल। हाँ सर, सिर्फ 100 बच गया, माइनस 100 बचा है ना, तो डजेंट मैटर, हंड्रेड तो प्लस ही करना है, तो इग्नोर कर देना माइनस को। ठीक है, आप मैक्सिमम पॉसिबल एरर पे ध्यान दो। अगर नहीं भी बोल रहा है तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही पूछता है। व्हेनेवर ही आस्क फॉर एरर, इट्स ऑलवेज अबाउट मैक्सिमम पॉसिबल एरर। यहाँ तक आया? अब बेटा एक चीज बताओ, तुम लोगों को क्या मैंने कौन सा डेटा नहीं दिया है? अयान ने आंसर भेजा अभी, ठीक है बेटा जल्दी जल्दी आप मुझे वैल्यू पुट करके दे दो बेटा। अगर मुझे डी आर टू ही निकालना बेटा, एल मैंने 30.6 दे रखा है, तो देखो 100 माइनस 30.6 बाई 30 बेटा एग्जाम में अच्छा अच्छा डेटा आएगा, डोंट वरी। ये मैंने अभी बनाया, वन आर वन की वैल्यू कितनी दे रखी थी बेटा 200, और नीचे एल का स्क्वायर। बेटा आई होप आप लोगों ने कैलकुलेशन खुद से कर ली होगी। ये डी आर टू आ रहा है बेटा किसी का? ये शायद इससे इजी पड़ जाता अगर आप लोग आर टू से डी आर टू, आर टू पहले ही निकाल लेते। बेटा आप लोगों ने आर टू निकाला था, कितना आ रहा था, ट्रू वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 100 माइनस 30.6 इंटू आर वन यानी 200 अपॉन एल यानी 30.6। ये आपका डी आर टू आ जाता, मतलब सॉरी आर टू आ जाता, और आप दोनों तरफ आर टू से डिवाइड कर देते हैं इंटू 100, ये आपका आंसर हो जाता। बेटा देखो मैंने आपको बोला आप सब कुछ भूल गए तो आप ऐसे याद रख सकते हो, बट एक बच्चा जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता है ना, तो उसको डेटा ऐसा दिखता है बेटा। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सपोज आप यहाँ तक रिजल्ट पे पहुंचे कि आपको जो निकालना है वो अननोन एक्स है और टोटल लेंथ एल है 100 की जगह, मैं जनरल फॉर्मूला दे देता हूँ बेटा, और आपको क्यू नोन है। देखो क्यू नोन, अभी हमने वही रिजल्ट लिखा है, हमारा जो आर टू आया था ना बेटा, सेम रिजल्ट लिखा है। बस मैं चाहता हूँ तुम्हें ये समझ आ जाए कि घर पे करके जाने वाला बच्चा क्यों डिफरेंट होता है।
देखो 100 माइनस एल बिकम माई कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, सेम फॉर्मूला है। अगर अब एक बच्चा दोनों तरफ लॉग ले ले तो क्या होगा? मैं बस दिखा रहा हूँ कि कई बार आप ना 100 L - L - log L + log Q, Q मतलब ये नोन वाला रेजिस्टेंस। मैं यहां तक पहुंचा, अब मैं जानबूझ के x से डिवाइड कर दूंगा, दोनों तरफ। बेटा मैं x निकाल सकता हूँ, तो पहले हाँ मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूँ पहले, तो log x को डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे मिलेगा dx by x जो मुझे चाहिए था। इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे मिलेगा माइनस dl by l माइनस l, वही है बेटा dx by x, ये तुम्हारा dx बना और वो नीचे x बना। इसको डिफरेंशिएट करो l माइनस l को, माइनस dl आ जाएगा और x इतना आ जाएगा। माइनस log l को करोगे माइनस dl by l, अगर तुमको इसमें एरर दिया है तो dq by q। बेटा देखो लॉग से जल्दी जल्दी आंसर और बेहतर दिखता है गैस, हमेशा इतना सिंपल आंसर आ जाता, तुम कैलकुलेशन से बच जाते हो मल्टीपल। अगर मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बेटा बस एक चीज़ याद रखना, माइनस जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, आपको सबको प्लस लेना है, डी एल अपॉन एल माइनस एल प्लस डी एल बाई एल। ये आपका स्टैंडर्ड आंसर होता। अगर घर पे कर रहे हो तो आपको दोनों तरीके से समझ आ रहा है, वरना एग्जामिनेशन हॉल में आपको नहीं समझ आएगा एक बच्चे का तुरंत क्यों आ गया और आपको थोड़ा टाइम क्यों लगा। बेटे जनरली कई बार रेजिस्टेंस में एरर नहीं देता, वो एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है। जैसे ये है ना, आर वन की वैल्यू 200 एग्जैक्ट दे देगा, तब आपको ये नहीं करना पड़ता, ओनली ऑब्जर्वेशन इज एल। तब इफ डी क्यू इज जीरो, अननोन रेजिस्टेंस में कोई एरर नहीं है, तब आपके लिए फॉर्मूला बड़ा सिंपल हो जाता है। आप इससे ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, बाकी बचे पार्ट को आप रीअरेंज कर लोगे तो आपको ऐसा दिखेगा माइनस एल डी एल बाई एल स्मॉल एल इंटू, एक सेकेंड बेटा, एल माइनस एल ऐसा दिखता है बेटा। ये मेरा डी एक्स बाई एक्स आता, अभी 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है इतना। अब मान लो कैपिटल एल 100 होता तो सोचो इसी क्वेश्चन को एक बच्चा कितनी तेजी से करता है एग्जामिनेशन हॉल में, इंटू 100। देखो बेटा कैपिटल एल की जगह लिखता डी एल आपका अगर दे रखा था, देखो डी एल हमें कितना दे रखा था, एल दे रखा है 30.6, तो 0.1 सेंटीमीटर आता, डी एल की वैल्यू आती 0.1, स्मॉल एल की वैल्यू थी 30.6 और एल था 100 माइनस 30.6। तो आई होप बेटा आपको समझ आया कि क्यों कुछ बच्चे एक लाइन में कर लेंगे, वो घर में ये चीज 3-4 बार करके जा रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? अगर रेजिस्टेंस में एरर नहीं देता तो एक बच्चा झटके से करके चले जाता कि सर इतनी जल्दी जल्दी हमारा आंसर आ गया। और जेई एडवांस में एक क्वेश्चन ये आ रखा है, मैं एरर वाला करा ही देता हूँ बेटा। आपको दिया है कि किस जगह पे ये एरर मिनिमम कहाँ होगा। देखो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा क्यों एक बच्चा जो घर पे करके जा रहा है मेहनत, और जो एक बच्चा बेसिक थ्योरी पढ़ के सोच रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में वो कर लेगा, बड़ा अंतर है। तुम चाहते हो तुम्हारा डीएक्स बाई एक्स मिनिमम आए, ये किस पॉइंट पे आएगा बेटा बताओ? इसकी वैल्यू को ध्यान से देखो बेटा,
हम डीएल को चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, वो मीटर स्केल जो होती है ना, वो हम नॉर्मल घर वाली स्केल होती है, उस पे ऐसे ही लिखा रहता है 30.6, या वो स्केल फिक्स रहती है। तो हम क्या, डिनोमिनेटर का मैक्सिमम निकाल सकते वेरी गुड बेटा, मैक्सिमम डिनोमिनेटर, वेरी गुड। अब एक चीज है एल इंटू 100 माइनस एल, मुझे इसका मैक्सिमा निकालना है। कभी भी इस ऐसी चीज का मैक्सिमा निकालने के लिए तुम चाहो तो ऐसे मान लो वाई इक्वल टू एल 100 माइनस एल, और मैं तुमसे बोलूँ मुझे वाई मैक्सिमाइज करो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डी यू बाई डी एल इक्वल टू 0। और जब आप 0 करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 100/2, या मिड पॉइंट पे, या जनरल रिजल्ट के हिसाब से एल इक्वल टू L/2 पे मिलेगी। क्या बेटा आपको ये बात समझ आई? हाँ तो बेटा तुम खुद ही सोच लो, जो बच्चा एग्जाम में डायरेक्टली ये सब सोच रहा है, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा बेटा वो, या करेगा भी तो वो बाकी क्वेश्चन का टाइम किल कर देगा। देखो मैंने आपको कौन कौन से स्टैंडर्ड रिजल्ट बताए, ये वाला एक बेटा, ये वाला, और ये तो ठीक है बेटा, इतना ये स्टैंडर्ड था। और इससे पहले तुम्हें ये बताया कि जस्ट लॉग मेथड ले लो, या तो सिंपली डिफरेंशिएट कर दो, आंसर दोनों से आएगा। मैं बेटा दोनों से करके तुमको दिखा दूंगा जब तुम बोलोगे, तो दोनों बात एक ही है। इन द एट द एंड तुम्हें ये बस, अगर मैं वाई का एरर पूछ रहा हूँ तो तुम्हें डीवाई दिखना चाहिए, आपको आज नहीं तो कल समझ आ जाएगा। तो बेटा आप लोग को मेरी बात समझ आ गई कि अब वो तुमसे चाहे लेंथ इक्वेशन की बात करें ऑप्टिक्स में या किसी में भी, वो तुमको बोलेंगे कि एक बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है, उसने इमेज की डिस्टेंस गलत नाप दी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कितना एरर आएगा, अगर आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बताना हो तो। अब मेरी बात समझ गए ना बेटा? एक सिंपल सी बात है बेटा, इफ आई एम गिविंग यू लाइक दिस, कि एक मिरर के लिए दिस इज द इक्वेशन, राइटिंग बेटा देखो, दिस इज द इक्वेशन, सपोज यू को नापने में थोड़ा सा एरर है, एफ को नापने में थोड़ा सा एरर है, तो इट्स वेरी श्योर कि वी को नापने में एरर आएगा। बट जब तक तुम्हें ये कॉन्फिडेंस है ना कि सर सिखाना चाह रहे हैं कि वो डेल वी बाई वी ही होगा, तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आई होप तुम मेरी बात समझ गए। अगर मैं यू नापने में गलती कर रहा हूँ, यू सपोज मैंने 30.30 ± 0.2 बोला है, फोकल लेंथ नापने में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, या आपको डायरेक्टली लिख दिया कि 30.6 है या 6.8 है, ऐसे लिख के दे दिया सेंटीमीटर में, तब आपसे मैंने पूछा डेल्टा वी वाई वी डेल वी वाई वी एरर इन इमेज पोजिशन निकालो, तो आपको अपना दिमाग लगाना है। अच्छा मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ, क्योंकि सारा टीचर को कभी नहीं पढ़ाना चाहिए। इसके अंदर एक टर्म आता है एंड करेक्शन, इसके अंदर एक टर्म आता है एंड करेक्शन, उसका थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन बनता है, आप एंड करेक्शन वर्ड पढ़ना घर बैठ के, नहीं समझ आएगा तो मैं बता दूंगा। इट्स वेरी सिंपल कि एक्चुअली में, या छोड़ो तुम पढ़ के आना बेटा, यहाँ पे हल्का सा जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है ना, इसमें एरर आते हैं, तो इससे बचने के लिए हम एक बार R2 को इस जगह लगाएंगे और एक जगह उस जगह लगाएंगे, अपने आप वो एंड करेक्शन रिजॉल्व कर देगा। फिर भी आप एंड करेक्शन वाले को थोड़ा सा पढ़ना बेटा, व्हाट इज एंड करेक्शन। बेटा मैं AC पे आऊँ,